चलिए, आज की क्लास में हम डू वाइल लूप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, और एग्जिट के समय उसमें कंडीशन की चेकिंग होती है, बट वो तीनों कंडीशन उसमें देना कंपलसरी होता है। तो डू वाइल लूप बिल्कुल ही सिंपल सा लूप होता है। वाइल लूप में थोड़ा सा चेंजेस करके डू वाइल लूप बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर लूप के बारे में बता देता हूँ कि फॉर लूप काफी सिंपल है, और आपने फॉर लूप में ये कोड लिखा था, और इस कोड का जो आउटपुट है वो 1 से लेकर 5 तक आ रहा था। हम इसको वाइल में कन्वर्ट करेंगे और इसी को डू वाइल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले वाइल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर मिटा के हम वाइल लिखेंगे, और दूसरा चेंजेस है हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ ले जाएंगे। मैंने कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तीसरा चेंजेस हमने इसको कट करके यहाँ ले गए थे लास्ट में। तीन चेंजेस करते साथ ही फॉर लूप जो है वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पर मैं जानबूझ के 15 कर देता हूँ। क्लियर है? तो ये हमारा वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया है। अब वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया, तो वाइल को काफी आसानी से डू वाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो एंट्री कंट्रोल था, ये जो वाइल का एंट्री था, इसको यहाँ से कट करिए और उसको एग्जिट में ले जाइए। क्लियर है? ये जो ऊपर लिखा हुआ था उसको एग्जिट में ले जाइए। अब यहाँ पर जब आप वाइल लिखेंगे तो कंप्यूटर इसके नीचे वाइल का ऐसा बॉडी ढूंढने लगेगा। वो ढूंढेगा कि इस यहाँ से वाइल की स्टार्टिंग है, उसको लगेगा कि ये वाइल की स्टार्टिंग है। तो ये बताने के लिए कि ये वाइल की स्टार्टिंग नहीं है, ये एंडिंग है, इसलिए यहाँ पे सेमी कोलन लगा देते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर सेमी कोलन लगाना भूल जाते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि सेमी कोलन वाइल लूप में अगर एरर आता है डू वाइल लिखते समय, समझ जाइए सेमी कोलन लगाना आप भूल गए हैं। अब यहाँ पर आपने जो एंट्री कंट्रोल हो रहा था उसको एग्जिट में ला दिया। अब यहाँ पर लूप की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर डू लिख देते हैं। सिर्फ एक चेंजेस, आपने जो एंट्री था उसको एग्जिट में ले आइए और यहाँ डू लिख दीजिए। सेव करते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ ताकि आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे। मैंने सेव किया और जब यहाँ पे लोड कर रहा हूँ, देखिए ये आपका लोड हुआ है, और आप इसका सोर्स भी देख सकते हैं कि सोर्स में आपको कोड दिखाई नहीं दे रहा है। आपका आउटपुट क्या है? 1 BR, 2 BR, 3 BR, ये आपका आउटपुट है, और BR की वजह से ये लाइन चेंज हो जा रही है। आपका आउटपुट 1 BR, 2 BR, 3 BR ये दिख रहा है। क्लियर? ये हमने डू वाइल लूप देखा, बहुत ही सिंपल है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी की जानकारी, इसके सिंटेक्स वगैरह के बारे में और फ्लो चार्ट वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं। पीएचपी में जो डू वाइल लूप है वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, और इसमें जो लूप की बॉडी है वो 1 टाइम एग्जीक्यूशन उसका होता ही होता है। यानी प्रोग्राम जब लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद जब लूप के स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा होता है, उस समय इसकी जो है आगे की जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है, जो एंड कंडीशन है, वो चेक की जाती है लूप के एग्जिट करते समय। फिर ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, और इसके बारे में और हम जानते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप किस तरीके से उसका फ्लो चार्ट होता है। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सेम है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो यहाँ पर वाइल वाला जो ऊपर लिखा होता था उसको हमने नीचे लिख दिया, और यहाँ पर सेमी कोलन लगाना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार फोर्स करके बता रहा हूँ। अधिकतर लोग, 95% लोग सेमी कोलन लगाना भूल जाते हैं, और इसी वजह से उनको डू वाइल लूप काफी कठिन लगता है। तो ये सेमी कोलन जो मैंने ट्रिक बताई कि आप यहाँ से उठाकर नीचे लाइए और सेमी कोलन लगाइए, यहाँ पे डू लगा दीजिए, बहुत ही सिंपल है। बाकी जो लूप की जो बॉडी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वाइल लूप हो, चाहे कोई और लूप हो। क्लियर? तो ये सिंटेक्स है बिल्कुल सेम है। अगर वो फॉर्मूला आपको याद होगा, याद रहेगा, तो काफी आसानी से आप कोई भी लैंग्वेज हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, ASP, JSP, सब में यही फॉर्मेट आपका अप्लाई किया जाता है। आगे देखते हैं कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसलिए इसका जो फ्लो चार्ट है वो कैसा होगा। फ्लो चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट जो दिख रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर लूप की कंडीशन जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा। देखिए इसका जो फ्लो होगा वो ऐसा होगा, और
बॉडी एक ना एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगी ही होगी, यानी कि आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद एग्जिट करते समय आपकी एडमिट कार्ड को चेक किया जाएगा, क्लियर है। अब ये लूप का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया है, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक की जा रही है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप इस तरीके से एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक होता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो ऐसा करके बाहर निकल जाएगा। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपको एंट्री कंट्रोल में कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है कि लूप एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन फॉल्स होने पर ऐसा बाहर आता है, जबकि एग्जिट कंट्रोल में एग्जीक्यूशन होता है, लूप एग्जीक्यूट होता है बार बार ऐसा ऐसा, और फिर ऐसा बाहर आता है। तो जो फॉर लूप है और वाइल लूप है, वो फॉर और वाइल जो है इस तरीके का एग्जीक्यूशन करते हैं ये, और डू वाइल जो है वो इस तरीके का एग्जीक्यूशन करता है। तो इस तरीके से आपने सिंटेक्स भी देखा और यहाँ पर आपने इसका फ्लो चार्ट भी देखा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्क्रीन पर बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जाम्पल देख पा रहे हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले आपने वाइल लूप का भी एग्जाम्पल देखा था, जिसमें ये जो वाइल वाला हिस्सा है ये हम उठा करके नीचे ला दिए, यहाँ पे सेमी कोलन लग गया है और यहाँ पर बस डू लिख दिए, बाकी बॉडी और ये वाला जो कोड है ये दोनों सेम है। तो इसका आउटपुट भी आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक का जो है आउटपुट आपके पास आ रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने अभी देखा फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में समझा, और कुछ एग्जांपल्स इसमें आप और भी देख सकते हैं। जैसे आपके पास ये भी एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। आपने यहाँ पर 10 टाइम्स लिखा है और इको करा दिया है यहाँ पर, तो ये 5 टाइम्स से 5 से लेकर के 10 तक, यानी 5 टाइम्स जो है आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो ये था आपका डू वाइल लूप या एग्जिट कंट्रोल।